नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाउ। वेतन तो मिला पर कोरोना ने छीन ली जिंदगी। संक्रमित शिक्षकों को ड्यूटी से अनुपस्थित मानकर विभाग ने रोक दिया था वेतन। दोस्तों क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नेक्स्ट नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों चलिए न्यूज पर आगे चलते हैं। कोरोना से संक्रमित बहरिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय छाता में तैनात शिक्षक नंदलाल राम का सोमवार को निधन हो गया। नंदलाल भी उन्हीं परिषदीय शिक्षकों में शामिल हैं जिनकी ड्यूटी इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम यानी कि ICCC में लगी थी और वे खुद संक्रमित होने के कारण ड्यूटी पर नहीं पहुंच सके थे। ऐसे शिक्षकों को अनुपस्थित मानते हुए शिक्षा विभाग ने अप्रैल माह का वेतन रोक दिया था। सोमवार को नंदलाल समेत 60 शिक्षकों पर वेतन जारी कर दिया गया। नंदलाल राम ने पंचायत चुनाव में भी ड्यूटी की थी और इसके बाद उनकी ड्यूटी ICCC में लगा दी गई थी। 23 अप्रैल को उनके कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई और 25 अप्रैल को उन्हें भर्ती करा दिया गया। सोमवार को कानपुर के काशीराम ट्रामा में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ICCC में अनुपस्थित पाए गए 92 शिक्षकों का अप्रैल माह 2021 का वेतन रोक दिया गया था जिसमें नंदलाल भी शामिल थे। शिक्षा विभाग के अफसरों ने यह जानने की जरूरत भी नहीं समझी कितनी बड़ी संख्या में शिक्षक अनुपस्थित क्यों हैं, जबकि हकीकत यह थी कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों का हाल चाल पूछने के लिए ICCC में तैनात किए गए तमाम शिक्षक खुद संक्रमित हो गए थे और इसी वजह से ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे। शिक्षा विभाग ने 92 शिक्षकों को अनुपस्थित मानते हुए उनका वेतन रोक दिया था। बाद में इसका विरोध शुरू हुआ तो शिक्षकों से प्रत्यावेदन मांगे गए, साथ ही कोविड पॉजिटिव होने का प्रमाण भी मांगा गया। बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अपने प्रत्यावेदन दिए जिसके बाद 60 शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया गया और इसमें नंदलाल राम का नाम भी शामिल है। नंदलाल का वेतन तो मिल गया लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि जिला विशेष शिक्षा अधिकारी ने बिना जांच पड़ताल वेतन रोका, इसे शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। दोस्तों ये थी हमारी न्यूज जिसमें कोरोना पॉजिटिव शिक्षक को अनुपस्थित मानकर उसका वेतन रोक दिया गया और आखिरकार वो शिक्षक बचे भी नहीं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा, साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी न्यूज़ की अपडेट आपसे छूटे ना। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगली न्यूज अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।